kids, welcome to your English class, and I'm your teacher and mentor Ananya, and I'm back with a new chapter of your book Literary Journeys and English Reader for Class 8 by Brainroot Publications. So today we shall start with chapter number 3, and the title of the chapter is Galileo Brings Star to the Earth. Children, have you heard the name of the famous scientist Galileo? Galileo was the person who actually discovered about stars. Alright, so आज हम पढ़ेंगे इसी famous वैज्ञानिक के बारे में और ये भी जानेंगे कि किस तरह हम सबको stars और उनके बारे में पता चला. So let's get started. First, let's do the warming up exercise. The stars in the sky have always mesmerized the people from time immemorial. Much has been discovered, yet much more remains a mystery about our universe. So, तारे जो हैं हमेशा एक center of attraction का काम करते हैं. लोग जो हैं कई पीढ़ियों से आसमान में तारे और उनके रहस्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं. किस तरह से ये तारे टिमटिमाते हैं, ये तारे आसमान में इतने सारे क्यों हैं, ऐसे कई सारे सवाल लोगों के मन में आते हैं. तो stars, planets, ये सभी चीज़ें जो हैं लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रहस्यमय रही हैं. लेकिन धीरे धीरे कुछ सालों से साइंटिस्ट ने साइंस के फील्ड में इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि अब वो धीरे धीरे इन रहस्यों पर से पर्दा उठा रहे हैं. गैलीलियो गैलीली लेड द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी मोर देन 300 ईयर्स अगो. तो आज हम एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने आज से 300 साल पहले ही मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की नींव रखी थी. आज हम चांद पे पहुंच गए हैं, हमें पता है कि प्लैनेट्स किस तरह से वर्क करते हैं, कौन सा प्लैनेट कहाँ पर है, ये सब पहले इतना आसान नहीं था. इस सब को आसान बनाने के पीछे गैलीलियो गैलीली नाम के वैज्ञानिक का बहुत बड़ा हाथ है. तो आइए शुरू करते हैं ये चैप्टर जिसमें हम गैलीलियो गैलीली के बारे में और ज़्यादा जानेंगे. यू मे हैव हर्ड अबाउट आर्यभट्टा एंड भास्करा हु वर एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया. प्राचीन भारत के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो आर्यभट्टा जो कि एक फेमस एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे, ठीक है, उनके बारे में, प्लस भास्कर, वो भी एक बहुत ही फेमस गणितज्ञ और एस्ट्रोनॉमर थे, इनके बारे में हमने बहुत पढ़ा है. देयर वर एस्ट्रोनॉमर्स ऑल्सो इन एंशिएंट इजिप्ट. इजिप्शियन कल्चर में भी कई सारे एस्ट्रोनॉमर्स रहे हैं, जैसे बेबीलोन एंड अमंगस्ट द एंशिएंट ग्रीक्स, ठीक है. द डिस्कवरीज ऑफ द ग्रीक्स वर रिटन डाउन बाय अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर टोलेमी हु लिव्ड इन अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट अबाउट 2000 ईयर्स अगो. अब ये जो ग्रीक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जितनी भी खोज की थी इसके बारे में एक अच्छी खासी किताब किसने लिखी, एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे टोलेमी, उन्होंने इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर में रहते हुए एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने इन सभी खोजों के बारे में उल्लेख किया है, ठीक है. इज द अर्थ एट द सेंटर और द सन. अब जब प्राचीन काल में बात शुरू हुई सारे रहस्यों को जानने की, तब सबसे पहला सवाल लोगों के मन में जो आया वो था कि क्या अर्थ सेंटर में है यूनिवर्स के या फिर सन. ऑलराइट, टोलेमी सेड दैट अवर अर्थ वाज फिक्स्ड एंड स्टेडी एंड एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड द अर्थ द सन द मून द प्लैनेट्स एंड द स्टार्स स्पिन इन परफेक्ट सर्कल्स टर्निंग डे टू नाइट एंड बैक टू डे अगेन. बट अबव 500 ईयर्स अगो अ पोलिश एस्ट्रोनॉमर कॉपरनिकस गेव अ न्यू एंड वेरी स्ट्रेंज एक्सप्लेनेशन. तो टोलेमी ने जब अपनी किताब लिखी उन्होंने यही लिखा था कि अर्थ यानी हमारी जो पृथ्वी है वो सेंटर है, ठीक है, उसको सेंटर मानते हुए उसके इर्द गिर्द यानी उसके आगे पीछे जो है सन स्टार्स और बाकी प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, ठीक है. लेकिन उनकी इस थ्योरी को करीब 500 साल पहले किसी और साइंटिस्ट ने चैलेंज किया, और वो साइंटिस्ट कौन थे,
वो थे कॉपरनिकस. ठीक है, कॉपरनिकस गेव अ न्यू एंड वेरी स्ट्रेंज एक्सप्लेनेशन. ही सेड दैट द सन एंड नॉट द अर्थ इज द सेंटर एंड द अर्थ इज जस्ट अ प्लैनेट विच वॉन्डर्स राउंड द सन एज द अदर प्लैनेट्स डू. ही ऑल्सो सेड दैट अर्थ spins round itself like a top and this is that causes day and night. अब कॉपरनिकस ने अपनी स्टडी और रिसर्च के आधार पर बोला कि नहीं, जो पहले टॉलेमी ने थ्योरी दिया था वो गलत है. अर्थ सेंटर में नहीं है बल्कि सन इज इन द सेंटर. ठीक है, सन जो है वो बीच में है और अर्थ यानी पृथ्वी बाकी सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं ठीक उन्हीं की तरह सूरज के चक्कर काटती है. उन्होंने फर्दर ये भी बताया कि अर्थ नॉट ओनली गोज अराउंड द सन बट इट ऑल्सो स्पिन्स एट इट्स ओन प्लेस, यानी वो अपनी जगह पे भी चक्कर काटती है और इसीलिए हम डे एंड नाइट को एक्सपीरियंस कर पाते हैं. ठीक है, People were startled by this new explanation and they found it very hard to believe. Copernicus could show no proof other than mathematical calculations, for in those days there were no telescopes. It seemed obvious to everyone that the earth did not move. If the earth rotated and revolved, people asked why didn't the bird lose their ways to their nests? And why did the ball tossed straight up into the air fall back into our hands instead of far away? Why weren't all of us dizzy if the earth was spinning at 1000 miles per hour? तो कॉपरनिकस ने तो अपनी थ्योरी दे दी लेकिन उनके पास अपनी थ्योरीज को प्रूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थी. वो कुछ दिखा के या किसी तरीके से इसको प्रमाणित नहीं कर सके. क्यों? क्योंकि उस ज़माने में टेलीस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था एंड टेलीस्कोप इज़ द ओनली सोर्स थ्रू विच वी कैन ऑब्जर्व द सोलस्टल थिंग्स, राइट. नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस कि लोगों ने कॉपरनिकस की थ्योरीज पे क्वेश्चन मार्क करना शुरू कर दिया, उन्होंने प्रश्न उठाने शुरू कर दिए. अब लोगों ने कॉपरनिकस की थ्योरी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए. उन्होंने तरह तरह के सवाल पूछने शुरू किए. किसी ने कहा कि अगर कॉपरनिकस की थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्थ घूम रही है, अर्थ फिक्स नहीं है, तो फिर जो चिड़िया उड़ रही है वो अपना रास्ता क्यों नहीं भटकती, वो वापस अपने नेस्ट पे कैसे आ जाती है, जब हम बॉल को उछालते हैं बॉल वापस हमारे पास कैसे आ जाती है, और हम लोग जो इंसान हैं उन्हें बेहोशी जैसा क्यों फील नहीं होता, हम डिजी क्यों नहीं फील करते, क्योंकि अर्थ तो घूम रहा है उसके हिसाब से हम भी घूमने चाहिए, फिर ऐसा क्यों है कि अर्थ घूम रहा है और फिर भी बाकी सारी चीज़ें स्टेबल हैं. तो इन थ्योरीज़ के थ्रू इन सवालों के जवाब देना मुश्किल था क्योंकि कॉपरनिकस के पास तो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थी, राइट. This is the speed of Earth's rotation at the equator. Its speed of revolution about the sun is more than 70,000 miles per hour. ठीक है, ऐसा कॉपरनिकस ने पता करके बताया था. Now Galileo answers. अब इसके बाद कॉपरनिकस ने एक रिसर्च तो कर दी लेकिन फिर भी वो लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाए. इसके बाद आए हमारे महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली. Alright, this is a picture of Galileo Galilei. The man who answered these questions was Galileo Galilei, who was born in Pisa in Italy on February 15, 1564. अब Galileo Galilei इटली में पीसा नाम के एक शहर में उनका जन्म हुआ, ठीक है, और वो वहीं पे बड़े हुए. He was the son of a musician. उनके पिता एक musician थे. He was a great mathematician, astronomer and physicist. So Galileo Galilei मैथमेटिशियन भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे और फिजिसिस्ट भी थे क्योंकि उनको फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था. ही सेड दैट व्हेन अर्थ मूव्स एवरीथिंग मूव्स विद इट, द एयर इटसेल्फ थ्रू विच द बर्ड्स वॉन्डर फॉलोइंग नेचुरली द व्हर्लिंग ऑफ अर्थ टेक्स अलोंग द बर्ड्स एंड एवरीथिंग एल्स इन इट. उनका मानना था कि अर्थ बिल्कुल मूव करती है, कॉपरनिकस ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, और
अर्थ के अंदर की हवा भी अर्थ के मूवमेंट के साथ मूव कर रही है, तभी हवा चल रही है और बर्ड्स भी उसके साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर पा रही हैं। ठीक है, थिंक ऑफ हाउ वी कैन टॉस अ बॉल अप एंड लेट इट फॉल बैक इनटू आवर हैंड्स व्हाइल वी आर ऑन अ मूविंग ट्रेन। द बॉल फॉल्स बैक इनटू आवर हैंड्स बिकॉज इट इज ऑल्सो कैरीड अलॉन्ग बाय द ट्रेन जस्ट एज अवर हैंड्स आर। तो गैलीलियो ने अपना एक्सप्लेनेशन देते हुए बोला कि ज़रा सोचो, जब हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है और हम ट्रेन में बैठे बैठे किसी बॉल को उछालते हैं, बॉल क्या ट्रेन के डायरेक्शन के साथ जाती है? नहीं, बल्कि बॉल कहाँ आती है? वापस हमारे हाथ में ही आकर गिरती है। ठीक है, मोर ओवर इफ द ट्रेन मूव्स वेरी स्मूथली एंड वी कैन नॉट लुक आउटसाइड वी मे नॉट नोटिस द ट्रेन इज मूविंग एट ऑल। Galileo suggests the following experiment. Go below the deck of a ship into a cabin and have with you other some flies, butterflies and other small flying animals. Have a large bowl of water with some fish in it. With the ship standing still, observe carefully how the little animals fly with equal speed to all the sides of the cabin. The fish swims indifferently in all directions. When you have observed all these things carefully, have the ship proceed with any speed you like, so long as the motion is uniform and no fluctuating this way and that. You will discover not the least change in how these animals move, nor could you tell from them whether the ship was moving or standing still. All right? तो गैलीलियो ने अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए जिन लोगों ने कॉपरनिकस पे क्वेश्चन रेज किया था, उन्होंने उन्हीं लोगों को, उन्हें लगा वो भी कोई थ्योरी देंगे तो लोग सवाल तो ज़रूर करेंगे, क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो उन्होंने कहा इसके लिए सब लोग एक एक्सपेरिमेंट फॉलो कर सकते हैं, किसी को भी अगर कोई भी शंका हो तो अपने साथ एक शिप पे जाइए आप सब। ठीक है, एक शिप पे जाने के बाद उसमें क्या कीजिए, अपने साथ कुछ फ्लाइज, कुछ बटरफ्लाइज साथ में लेके जाइए, इवन यू कैन टेक सम फिशेज ऑल्सो। फिर आप नीचे वाले डेक में चले जाइए, कैबिन के अंदर, शिप को अभी स्टार्ट मत कीजिए, उसको एज इट इज स्टिल रहने दीजिए और फिर इन सारे फ्लाइज वगैरह को छोड़ दीजिए, ये अपने आप अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करना शुरू करेंगे, आप इनको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। इसके बाद फाइनली शिप को आप स्टार्ट कीजिए और एक कंसिस्टेंट स्पीड से शिप को चलाइए और फिर आप नोटिस करिए कि जो इंसेक्ट्स या बटरफ्लाइज आप साथ में लेके गए थे, क्या उनकी मूवमेंट में कोई चेंज है? आप नोटिस करेंगे कि उनकी मूवमेंट में कोई चेंज है ही नहीं, बल्कि कई बार ये भी बताना मुश्किल हो जाता है कि शिप खड़ी है या शिप मोशन में थी। ऑलराइट, गैलीलियो मेक्स हिज ओन टेलीस्कोप। गैलीलियो अनलाइक कॉपरनिकस हैड लुक थ्रू अ टेलीस्कोप एट द स्काई। इन द समर ऑफ द ईयर 1609 गैलीलियो हर्ड र्यूमर्स ऑफ अ न्यू डच क्यूरियोसिटी कॉल्ड अ स्पाई ग्लास और आई ग्लास विच कुड मेक फार ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लोजर। तो गैलीलियो जब एक बार उनको पता चला कि कोई स्पाई ग्लास जैसी चीज़ आई है। अब ये स्पाई ग्लास बेसिकली क्या था, स्पाई ग्लास को यूज़ करके आप दूर की ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देख सकते हो। गैलीलियो के दिमाग में एक आइडिया आया, उन्होंने सोचा कि कैसे मैं इस स्पाई ग्लास को यूज़ में ला सकूँ। द स्पाई ग्लासेस वर नॉट अवेलेबल इन इटली वेयर गैलीलियो लिव्ड एंड वर्क, बट स्पेक्टाकल मेकर्स इन पैरिस वर सेलिंग देम इन क्वांटिटी। अब इटली में तो ये अवेलेबल नहीं था, पर इटली से बाहर पेरिस में कुछ लोग जो चश्मा बनाते थे, स्पेक्टाकल मेकर्स, उन लोगों के पास ये ग्लास काफ़ी क्वान्टिटी में थे और वो इन्हें सेल भी कर रहे थे। तो गैलीलियो को एक अपॉर्चुनिटी दिखी। The spy glass was made from spectacular lenses and to begin with was a little more than a toy. It could make things look only 3 times bigger than they looked to the eye alone. Galileo improved the spy glass by calculating the ideal shape and placement of the glass. He ground and polished the lens himself and took his instrument to Venice to show it to the ruler and the Senate. It is said that even the oldest senator eagerly climbed up to the highest towers of the city so that they could see ships on the horizon through the spyglass 2 or 3 hours before they became visible to the keenest eye. Galileo was given a big raise in salary.
तो फर्स्ट टाइम गैलीलियो ने एक नॉर्मल टेलीस्कोप जैसी चीज़ बनाई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्पाई ग्लास लिया, लेकिन स्पाई ग्लास से बहुत ज़्यादा दूर तक देखा नहीं जा सकता था। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इस स्पाई ग्लास को थोड़े मॉडिफाई करा जाए, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करूं। उन्होंने क्या किया, उस स्पाई ग्लास को रीशेप किया, उसे थोड़ा सा पॉलिश किया और फिर उसको प्रॉपरली प्लेसमेंट किया और फिर वो उसको वेनिस लेके गए। वेनिस के जो रूलर थे और जो सेनेटर्स थे उनके सामने उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट रखा और ऐसा माना जाता है कि सब लोग चौंक गए उनका ये एक्सपेरिमेंट देख के। यहाँ तक कि दूर दूर से जो सेनेटर्स थे वो भी आए, पुराने से पुराने, ताकि वो दूर सागर के किनारे जो शिप्स आ रही हैं विजिबल होने से पहले ही उन्हें उस स्पाई ग्लास से देख सके। और जब उन्होंने देखा कि ये स्पाई ग्लास वाकई में ही काम कर रहा है, मतलब जो गैलीलियो ने डिस्कवर किया वो सच में बहुत काम कर रहा है, तब गैलीलियो की प्रशंसा तो हुई, प्रशंसा के साथ साथ उनको उनके सैलरी में भी काफ़ी ज़्यादा रेज मिला, यानी उनकी जो तनख्वाह है उसको भी बढ़ा दी गई। इन नवंबर द सेम ईयर गैलीलियो मेड हिमसेल्फ अ टेलीस्कोप ट्वाइस एज पावरफुल एज द वन ही हैड टेकन टू वेनिस। अब गैलीलियो ने, कैन यू सी ही सिटिंग विद हिज टेलीस्कोप। साइंटिस्ट कभी भी शांत नहीं बैठते क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट फर्दर हो सकता है, कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा की जा सकती है। तब उन्होंने क्या किया, गैलीलियो ने उसी साल दोबारा नवंबर में एक डबल पावर का टेलीस्कोप लॉन्च किया, ठीक है, जैसा वो वेनिस लेके गए थे उससे भी ज़्यादा दुगना शक्तिशाली टेलीस्कोप। दिस टेलीस्कोप कुड मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट 20 टाइम्स। गैलीलियो सेट द टेलीस्कोप इन द गार्डन बिहाइंड हिज हाउस and turned it skywards. He now saw stars that had never been seen before. He saw that the Milky Way, the path of the sky, looks whiter than the rest of the sky. It is actually packed with stars. So, Galileo ने क्या किया, उन्होंने अपना वो नया बनाया हुआ टेलीस्कोप अपने गार्डन में ले जाके स्काई की तरफ सेट किया और फिर देखने लगे। और देखते ही उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये जो उनका टेलीस्कोप था ये किसी भी ऑब्जेक्ट को 20 गुना उसका साइज़ बढ़ा के दिखा सकता है, यानी कोई ऑब्जेक्ट आपके बहुत दूर रखा हुआ है उसको काफ़ी बड़ा करके आपको दिखाएगा। सो गैलीलियो ने जब अपने टेलीस्कोप से आसमान की तरफ देखा तो उन्होंने कई सारी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व किया। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने स्टार्स देखे, उन्होंने मिल्की वे गैलेक्सी देखा और साथ ही में ये देखा कि जो स्काई है वो काफ़ी ज़्यादा वाइटिश अपीयर होता है। ऑलराइट, ही सॉ दैट द प्लैनेट जुपिटर हैड 4 मून्स दैट सर्कल्ड इट। उन्होंने ये भी देखा कि जुपिटर ग्रह के आसपास 4 मून्स रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी 4 मून्स घूम रहे हैं। एंड ही सॉ दैट द फेस ऑफ अवर मून इज़ नॉट स्मूद एंड परफेक्ट, इट्स लाइक द फेस ऑफ अवर अर्थ इटसेल्फ। साथ ही उन्होंने ये देखा कि हमारे यहाँ पे जो चांद है वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस वाला नहीं है, उसमें भी धब्बे हैं, दाग हैं कई तरह के, इवन द सरफेस इज ऑल्सो रफ एज लाइक अवर अर्थ विच इज़ मार्क्ड हेयर एंड देयर विद चेन्स ऑफ माउंटेन्स एंड डेप्थ ऑफ वैली। आई रेंडर इनफाइनाइट थैंक्स टू गॉड, सेड गैलीलियो आफ्टर दोज नाइट्स ऑफ वंडर, फॉर बींग सो काइंड एज टू मेक मी अलोन द फर्स्ट ऑब्जर्वर ऑफ द मार्वल्स केप्ट हिडन इन ऑब्सक्योरिटी फॉर ऑल प्रीवियस सेंचुरीज। तो जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी फर्स्ट टाइम तो वो इतना खुश हुए कि उन्होंने भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा कि आई एम सो थैंकफुल टू गॉड दैट ही हैज़ गिवन मी द प्रिविलेज ऑफ बीइंग द फर्स्ट ऑब्जर्वर। उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ उनको, ईश्वर को, ताकि उन्होंने मुझे वो क्षमता दी कि मैं वो पहला इंसान बनूं कि जो रहस्य आज तक किसी ने नहीं देखा था पहली बार मैंने देखा है। ऑलराइट, द ट्रायल ऑफ गैलीलियो। अब गैलीलियो ने टेलीस्कोप तो बना दिया, लेकिन इससे पहले भी तो लोगों ने अलग अलग खोज की थी, क्या लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया था? नहीं। तो गैलीलियो के लिए भी आसान नहीं होने वाला था, गैलीलियो को भी कई चैलेंजेस अभी फेस करने थे। Some people were excited and happy at his discoveries, others however were suspicious and angry. अब कुछ लोग तो गैलीलियो की डिस्कवरी से बहुत खुश हुए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए या गुस्सा हो गए। उन्हें लगा कि गैलीलियो अपनी मनगढ़ंत बातों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं और लोगों की बिलीव्स को तोड़ना चाहते हैं।
They questioned whether the objects seen through a telescope were real objects or illusion produced by the telescope. Some people used the telescopes of such bad quality that they could see nothing. Galileo got busy building as many telescopes as he could for export to France, Spain, England, Poland and Austria. And for the princes all around Italy. अब कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या जो ऑब्जेक्ट्स गैलीलियो ने टेलीस्कोप से देखे हैं वो सही हैं. ऐसा तो नहीं कि लेंस में ही कोई डिफेक्ट था या किसी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से गैलीलियो ने किसी इल्यूजन को देखा है और उसी को ऑब्जेक्ट मान रहा है. तब गैलीलियो ने जितने हो सके उतने टेलीस्कोप्स का निर्माण करना शुरू किया और इन टेलीस्कोप्स को बना के सभी आसपास के राज्यों में जैसे फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, पोलैंड और जितने भी राज परिवार थे उन सभी को एक एक टेलीस्कोप भेज दिया ताकि वो भी टेलीस्कोप के थ्रू इन ऑब्जेक्ट्स को देखें और समझ पाएँ. He wrote about his discoveries in Italian and not in Latin language of the scholarship because he wanted common people to read about them. Galileo had worked with shipwrights, glass blowers, lens grinders and instrument makers and he held that just as nature has given to them as well as to philosophers eyes with which to see her works, so she has also given them brains capable of penetrating and understanding देम. तो गैलीलियो ने अपने इन्वेंशंस के टाइम पे सभी लोगों के साथ काम किया, हर वर्ग के लोग के साथ. जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने शिपराइट्स के साथ काम किया, ग्लास बाउलर्स के साथ काम किया, लेंस ग्राइंडर्स के साथ काम किया क्योंकि उन्हें टेलीस्कोप खुद बनाना था. उन्हें बना बनाया टेलीस्कोप तो कहीं नहीं मिला, उन्होंने खुद बनाया था और अकेले वो बना नहीं सकते थे, कई लोगों की हेल्प उन्हें भी लेनी पड़ी. और उनका मानना है कि चाहे ये लोग काम अपना स्पेसिफिक काम करते हों, शायद सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना रखते हों, लेकिन इनके ब्रेन्स उतने ही शार्प है और इंटेलिजेंट है जितना भी किसी और व्यक्ति का होता है. ऑल दिस फर्दर एनरेज द लर्नड मैन हु फेल्ट इंसल्टेड. द लीडर्स ऑफ द चर्च आस्क्ड हिम टू स्टॉप हिज स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज विच दे सेड हैड बीन डिस्क्राइब्ड इन होली बुक्स एंड दीज बुक्स सेड दैट अर्थ डज नॉट मूव. अब जो पढ़े लिखे लोग थे या जो लर्नड मैन थे जो खुद को लर्नड क्लेम करते थे उन लोगों को बहुत गुस्सा आ गया. उन्हें लगा कि गैलीलियो ने दूसरे लोगों को इंटेलिजेंट बता के उनके साथ तुलना करके उन लोगों का अपमान किया है. उन्होंने इमीडिएटली गैलीलियो को स्टॉप कर दिया कि आप अपनी डिस्कवरीज बंद कर दीजिए, आप हमारी परम्परा का, हमारी प्राचीन सभ्यता का अपमान कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो होली बुक्स हैं, जो हमारी किताबें हैं, उनमें ये लिखा हुआ है कि अर्थ मूव नहीं करती, अर्थ अपनी जगह पे फिक्स्ड है. फॉर 7 years गैलीलियो ओबेड दीज ऑर्डर्स. ड्यूरिंग दो 7 years ही मेड हिज टेलीस्कोप इनटू अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड स्टडीड स्मॉल थिंग्स ऑन द अर्थ इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इन द स्काई. अब फाइनली गैलीलियो ने 7 साल तक अपनी खोज, अपनी जो एक्सपेरिमेंट्स थे उन पर एक छोटा सा अल्पविराम यानी स्टॉप लगा दिया. लेकिन वो शांति से नहीं बैठे, आफ्टर ऑल वो थे तो वैज्ञानिक ही. उन्होंने इन 7 सालों में स्काई के ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करना बंद कर दिया, उसकी जगह उन्होंने अपने टेलीस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बदल दिया और छोटे छोटे दूसरे ऑब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू कर दिया. आई हैव ऑब्जर्व मेनी टाइनी एनिमल्स विद ग्रेट एडमायरेशन ही रिपोर्टेड. Among which the flea is quite horrible, the gnat and the moth are very beautiful, and with great satisfaction I have seen how flies and other little animals can walk attached to mirrors upside down. तो उन्होंने बताया कि मैंने इन 7 सालों में बहुत सारे tiny छोटे छोटे organisms को देखा है, मैंने इनकी movements को observe किया है और मैंने इनके बारे में कई तरह की studies की हैं. In 1632, however, Galileo published his book, The Dialogue Concerning the Two Chief World Systems. Although the book sold out as quickly as it entered the shops in Florence, it reawakened all the old enmities. The Pope was very angry at Galileo had disobeyed the church. May God forgive Signor Galileo for having meddled with these subjects, he said.
And Galileo, now old and ill, was summoned to Rome to face a trial and inquisition by the church. अब 7 साल बाद फाइनली गैलीलियो ने अपनी एक बुक लॉन्च की और ऑफकोर्स उन्होंने बुक में अपनी सारी डिस्कवरीज के बारे में लिखा और जाहिर सी बात है उनकी डिस्कवरीज पहले ही किसी को अच्छी नहीं लग रही थी, तो ऑल ऑफ अ सडन दोबारा उनकी बुक आने की वजह से बुक सोल्ड आउट तो हो गई मार्केट में, सब ने खरीदी बुक को, लेकिन जो चर्च के लोग थे उन लोगों को गैलीलियो पे गुस्सा आ गया, उनकी जो दुश्मनी थी वो वापस से सामने आ गई। स्पेशली जो फादर थे, जो प्राइम प्रीस्ट थे पोप, उन्होंने गैलीलियो को वार्निंग भी दी। साथ ही में जब गैलीलियो उनकी बात से सहमत नहीं हुए तब उन्होंने गैलीलियो को अपने चर्च में इंक्विजिशन के सामने ट्रायल के लिए बुलाया। ऑलराइट, द इंक्विजिशन वाज अ चर्च कोर्ट दैट ट्राइड एंड पनिश्ड हेरिटिक्स और अनबिलीवर्स हु कुड बी पुट टू डेथ। द डायलॉग कंसर्निंग द टू चूवेल सिस्टम वाज पुट ऑन द लिस्ट ऑफ बुक्स बैंड बाय द चर्च। और गैलीलियो की बुक को चर्च ने कम्प्लीटली बैन कर दिया, ठीक है, कि कोई भी इस किताब को ना पढ़े और ना ही इस किताब को मार्केट में स्प्रेड किया जाए। गैलीलियो वॉज एग्जामिन्ड बाई अ टीम ऑफ 10 cardinals। द क्वेश्चंस वर इन लैटिन, द आंसर्स इन इटालियन। इन द एंड ही वॉज आस्क्ड टू कन्फेस दैट ही वॉज रॉन्ग एंड द अर्थ डिड नॉट मूव। Dressed in white robe of penitent, Galileo knelt before the court and said in public. So finally, Galileo को court में trial के दौरान बोला गया कि आप स्वीकार करिए कि आपने जो भी discoveries किए वो सब गलत है और ये मानिए कि earth अपनी जगह पे fixed है। तब Galileo ने finally बोला, I, Galileo, aged 70 years, kneeling before you swear that I have always believed, I believe now, and with God's help, I will in future believe all that is held, preached and taught by the Holy Church, and the entirely abundance of false opinion that the sun is the center of the world and immovable, and that the earth is not the center of the same and that it moves. फाइनली उन्होंने सबके सामने शपथ लेते हुए बोला कि मैं गैलीलियो जो कि 70 साल का हूँ अपने ईश्वर को साक्षी मान के ये कहता हूँ कि जो कुछ भी हमारी होली बुक्स में लिखा हुआ है कि अर्थ फिक्स्ड है और मूव नहीं करती, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। अर्थ मूव करती है और सन फिक्स्ड है, अर्थ सन के चक्कर लगाती है। इट इज़ ऑफन सेड दैट गैलीलियो रोज फ्रॉम हिज नीज, ही मटर्ड अंडर द ब्रेथ, बट स्टिल इट मूव्स, बट दिस मे बी ओनली अ स्टोरी। ऑलराइट, तो गैलीलियो ने अपनी बात को वहाँ पे भी ना नहीं किया, उन्होंने जो सच था उसी पे भी वो टिके रहे, एंड ही सेड द सेम डायलॉग्स इन द चर्च इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल। गैलीलियो लिव्स ऑन, गैलीलियो वॉज इम्प्रिजन्ड एंड फॉरबिडन टू रिसीव फ्रेंड्स और टू स्पीक ऑफ साइंस विद देम। येट ही रोट एंड सीक्रेटली पब्लिश्ड वन लास्ट बुक विच लेटर इंस्पायर्ड आइजैक न्यूटन, who was born in England in the year that Galileo died. As he finished writing this book, Galileo began to lose his eyesight in the right eye and then in the left. So, as usual, क्योंकि Galileo ने चर्च की बात नहीं मानी तो उनको बंद कर दिया गया, उन्हें हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया, उन्हें अपने किसी भी दोस्त या फैमिली मेम्बर से मिलने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन क्या गैलीलियो फिर भी रुके, क्या सब लोग उन्हें रोक पाए? नहीं, गैलीलियो ने छुप छुप के अपने कैद के दौरान भी एक लास्ट बुक लिखी और ये लास्ट बुक लिखने के बाद फाइनली उनकी आंखों की दृष्टि चली गई। यही वो किताब थी जिसने आगे चल के सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटी को हमें दिया है, उनको इंस्पायर किया था, ठीक है। तो उनकी ये आखिरी किताब लिखने के बाद फाइनली गैलीलियो की डेथ हुई और उसी साल सर आइजैक न्यूटन पैदा हुए। गैलीलियोज लास्ट एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरी वॉज मेड व्हेन ही हैड साइट ओनली इन वन आई। ही ऑब्जर्व दैट मून ऑलवेज कीप्स द सेम फेस, अ स्माइलिंग मैन्स आईज, नोज एंड माउथ टर्न टूवर्ड्स अर्थ। दिस इज बिकॉज इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन प्रिसाइजली मैचेज इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ऑलराइट, तो उनका कहना था कि मून जो है हमेशा अर्थ के तरफ ही फेस करके रहता है बिकॉज उसका जो रोटेशन और रेवोल्यूशन का टाइम है वो ऑलमोस्ट सेम है।
250 years after his death in Arce Tree near Florence on January 8, 1642, the University of Pisa awarded Galileo an honorary degree in 1892. The far side of the moon remained hidden from our eyes until the start of the space age when 1959, a Russian spacecraft sent us its picture. In 1979, the Pope called for a re-examination of Galileo's case, and in 1992, he publicly accepted Galileo's views. In 1995, a spacecraft named Galileo reached Jupiter, whose moons Galileo had first seen with his telescope. So finally, उनके मृत्यु के कई साल बाद finally चर्च को भी ये मानना पड़ा कि गैलीलियो ने जो बातें कही थी कई सालों पहले वो गलत नहीं थी, उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी थी. और री एग्जामिन करने के बाद फाइनली गैलीलियो के सारे सिद्धांतों को सही माना गया. 1995 में एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम स्पेशली गैलीलियो दिया गया, उसको जुपिटर भेजा गया गैलीलियो और गैलीलियो के आसपास जो मून्स हैं उनको देखने के लिए. ऑलराइट, सो सी यूजुअली व्हाट हैपेंस, पीपल से दैट साइंटिस्ट्स आर एक्चुअली मैड. ज़्यादातर लोग यही मानते हैं, कोई भी अगर रिसर्च हो, कोई भी खोज हो, कोई भी नई चीज़ हो, तो लोग पहले उसको अपनाने से मना करते हैं. लेकिन जब ये प्रूफ हो जाता है कि वो बिल्कुल सही है, तब वही लोग उस इंसान या उस रिसर्च की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं. ऑलराइट, सो दैट इज़ व्हाई देयर आर सो मेनी मिस्ट्रीज हिडन इन साइंस, एंड वी शुड ऑलवेज try to learn and understand these mysteries so that we can unravel all the undiscovered things. Clear? So today we have learnt about the famous scientist Galileo Galilei, who did not feel defeated or who did not mind at all, even though the entire world was against him. He kept on working on his theories and finally became popular. Okay? Now let's move towards the glossary. Here we will come across certain word meanings. तो आइए इनको एक बार देख लेते हैं. Startled means suddenly surprised, एकदम से चौंक जाना. Rotated means something that moves continuously around its axis for 24 hours. Revolve means when something goes around the sun for 12 months and as a result gives seasonal changes. Uniform means very smooth. Fluctuating means changing frequently. Dutch, belonging to Holland or Netherlands. Magnifying means to enlarge, किसी चीज़ का size बड़ा कर देना. Render means to give, ठीक है. Marvels means object of wonder. Illusions means some things that are not real, ठीक है, जो reality में exist ना करती हो. Gnat, a small flies with two wings. Enmities means feeling of dislike, किसी के प्रति द्वेष रखना. Meddled with means inferred with, and precisely means exactly. Alright, so we have already done the word meanings as well. Now it's time to move towards the exercises. तो आइए एक एक करके exercises solve करते हैं. First of all, we have multiple choice questions. MCQs करेंगे. So let's get started. First one, Copernicus gave a new and very strange theory explanation. None of these. So he gave a very strange explanation. Galileo was the son of a musician, right? वो musician के बेटे थे, हमने पढ़ा है ये. Galileo was given a big raise in amount salary world. None of these. So उनकी salary को बहुत increase कर दिया था जब उन्होंने अपना पहला spy glass लॉन्च किया था. Okay, let's move now further. Now we need to find one word for the following sentences. यहाँ पे कुछ sentences दिए हुए हैं, हमें इनके लिए one word find out करना है. यहाँ पे हमें helping corner दिया हुआ है, we have to find out from this. One who studies about stars, sun, moon, planets is known as an astronomer. Okay, उसको हम astronomer बोलते, तो astronomer. Next, the scientific study of stars, the sun, the moon, etc. इसको हम astronomy बोलते हैं, ठीक
है, वी कॉल इट एस्ट्रोनॉमी. नेक्स्ट, थर्ड, एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ विद इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सो दिस शुड बी इक्वेटर. इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हाफ्स ना, दो पार्ट्स में बांट देता है और इमेजिनरी लाइन है. सो दिस इज इक्वेटर. दिस इज इक्वेटर. नेक्स्ट, फोर्थ, द साइंटिस्ट हु स्टडीज फिजिक्स. कोई फिजिक्स पढ़ता है, कोई वैज्ञानिक, तो हम उसे फिजिसिस्ट बोलते हैं. ठीक है, फिजिसिस्ट. क्लियर. नेक्स्ट, द गवर्नर एंड द मेंबर्स ऑफ हिज गवर्नमेंट. तो फिर इट्स रूलर्स एंड सेनेट. इट्स रूलर्स एंड सेनेट. ऑलराइट. नेक्स्ट, अ पर्सन हु वॉचेस समथिंग ऑब्जर्वर. जो किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखता है या ऑब्जर्व करता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर. ठीक है. नेक्स्ट, सेवेंथ वन, अ स्टेट ऑफ नॉट बीइंग क्लियर और नॉट अंडरस्टूड. यानी जब हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं या फिर हमें बहुत ज़्यादा एक तरह का कंफ्यूजन रहता है, दैट्स ऑब्सक्योरिटी. नेक्स्ट, एन इंसेक्ट लाइक अ बटरफ्लाई विद ब्राइट कलर्स विच फ्लाइज एट नाइट. तो उसको हम मॉथ बोलेंगे. ठीक है, बटरफ्लाई के जैसा होता है लेकिन एक्चुअली बटरफ्लाई नहीं होता है. नाइन, द प्रीस्ट ऑफ द हाईएस्ट रैंक इन द रोमन कैथोलिक चर्च हु इलेक्ट एंड एडवाइज द पोप. सो दैट विल बी योर कार्डिनल्स. And last, a person who admits to a serious mistake, especially about religion, that is penitent. So children, I hope that you have noted all the exercises. आपने सारे नोट कर लिए होंगे. So with this, we are done with the exercises. All right. So next, we have exercise number C. एक्सरसाइज नंबर सी में हमें अनलाइन द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट सो दैट एज टू मेक सेंटेंसेस ट्रू. हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं एंड ब्रैकेट में ऑप्शंस दिए हुए हैं. हमें जो सही वर्ड मैच करता है उसको अंडरलाइन करना है ताकि सेंटेंसेस ट्रू बन जाए. द स्पीड ऑफ अर्थ्स डैश अबाउट द सन इज हायर देन द स्पीड ऑफ इट्स डैश अराउंड इट्स ओन एक्सिस. सो स्पीड ऑफ रोटेशन is more than the speed of revolution. Okay, rotation के लिए सिर्फ 24 hours लगते हैं, revolution के लिए ज़्यादा time लगता है, 365 days and 1/4 of the day, right? तो इसीलिए rotation पहला आएगा, next आएगा revolution. Second, a telescope magnifies the details of the sky for viewers. Magnify का मतलब enlarge, बड़ा कर देना, right? So magnify correct word है. थर्ड, डैश एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव दैट अर्थ वॉज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. पहले के लोग ऐसा सोचते थे कि अर्थ सेंटर है तो एंशियंट, लेकिन मॉडर्न वंस डू नॉट. आज के लोग ऐसा नहीं मानते. ठीक है. फोर्थ, इफ यू टॉस अप अ बॉल इन अ मूविंग ट्रेन इट विल फॉल बैक. सो पहले आप उछालेंगे तभी बॉल वापस आएगा. सो पहले आएगा टॉस अप, उसके बाद फॉल बैक. ठीक है. नेक्स्ट, फिफ्थ वन, द क्वेश्चन वेदर द अर्थ स्टैंड स्टिल और मूव्स केप द पीपल कन्फ्यूज फॉर लॉन्ग. स्टैंड स्टिल एंड मूव्स. क्लियर. स्टैंड के साथ स्टिल आएगा एंड देन फॉलोड बाय मूव्स. टॉलेमी सेड द सन द मून द प्लैनेट्स एंड द स्टार्स स्पिन इन परफेक्ट सर्कल्स अराउंड द अर्थ. क्लियर. So this is the exercise. I have underlined all the right words. I hope that you have also noted. आप लोगों ने भी अपने पास नोट कर लिया होगा. And we are done with this exercise as well. So with this, we finish with today's session. Another chapter of your class book is
completed, and I hope that you enjoyed the session because we have come to know about so many discoveries done by Galileo. Alright, so children, I will meet you again soon with a new chapter of your series. So stay tuned for the upcoming videos. Bye bye and take care.